तो हे व्हाट्सअप गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। स्वागत है हमारे चैनल एसआईएल गेमिंग पे। तो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं ज्ञान गेमिंग की आईडी में अभी बीवीएच क्यों नहीं है, और साथ ही के साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि गरीना पार्टनर प्रोग्राम में सबसे फर्स्ट यूट्यूबर कौन पे ऐड होने वाले हैं। साथ ही के साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि गरीना पार्टनर प्रोग्राम में ऐड होने के बाद सबसे फर्स्ट यूट्यूबर को क्या गिफ्ट मिला था गरीना की तरफ से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं ज्ञान गेमिंग के पास मिस्ट्रीस पैक, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही मजेदार है। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिया हुआ बेल आइकन का दबा के एल पे सेट कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले ज्ञान गेमिंग के बारे में। गेमिंग एक ऐसी यूट्यूबर है जो इंडिया का सबसे फर्स्ट लाइव स्ट्रीमर है, और उनको सबसे फर्स्ट करीना की तरफ से इनविटेशन आया था पार्टनर प्रोग्राम के लिए। क्या आपको पता था ये फैक्ट्स? तो कमेंट में जरूर बताना। टॉप फोर फैक्ट की तरफ, टॉप फोर में जो फैक्ट आता है वो है गरीना फ्री फायर में पार्टनर प्रोग्राम पे ऐड होने के बाद सबसे पहला गिफ्ट था। तो गरीना पार्टनर प्रोग्राम पे ऐड होने के बाद सबसे पहला गिफ्ट था गरीना की तरफ से कस्टम रूम कार्ड। जी हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हैं, सबसे पहला गिफ्ट था कस्टम रूम कार्ड। तब प्लेयर बंदे लोग, प्लेयर जो गेम खेलते हैं उनको कस्टम रूम कार्ड कुछ पता ही नहीं था। तब कुछ गिने चुने यूट्यूबर जैसे सुनीता, अनलिमिटेड गेमर, ग्रैंड गेमिंग, उनको ही मिला था कस्टम रूम कार्ड। तभी जाके हमको पता चला कस्टम क्या होता है, वरना पहले हमको कस्टम रूम कार्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो ये फैक्ट आपको पता था कि नहीं, कमेंट पे जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं मिस्टीरियस फैक्ट नंबर थ्री की तरफ। टॉप थ्री जो फैक्ट्स है वो आपको पता नहीं होगा शायद, आपको लगता होगा टोटल गेमिंग इंडिया के सबसे फर्स्ट यूट्यूबर है, लेकिन नहीं गाइस, सबसे पहले ज्ञान गेमिंग लाइव स्ट्रीम करते थे। जब 30,000 ग्रैंड गेमिंग का सब्सक्राइबर था तब टोटल गेमिंग शायद चैनल क्रिएट ही नहीं किए होंगे। इसीलिए गाइस, सबसे पहले लाइव स्ट्रीमर की अगर बात आ जाए तो ज्ञान गेमिंग है। और अगर कोई ऐसे बंदे होंगे जो मजाक में लाइव स्ट्रीम किए होंगे ज्ञान गेमिंग के पहले, लेकिन कम्प्लीटली लाइव स्ट्रीम किया है ज्ञान गेमिंग ने, तो वही होते हैं इंडिया के सबसे पहला लाइव स्ट्रीमर। और ये आपको पता था कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोगों से, आप लोगों में बहुत सारे बंदों को ये लगता होगा कि टोटल गेमिंग फर्स्ट यूट्यूबर है, तो ये सरासर गलत है। और ये फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। तो बढ़ते हैं टॉप जो टॉप टू में फैक्ट है वो ग्रैंड गेमिंग की तरफ से ही है। ग्रैंड गेमिंग एक ऐसी यूट्यूबर है जो इंडिया में सबसे पहला फ्री फायर कम्युनिटी का 100 के सब्सक्राइबर माइलस्टोन कंप्लीट करने वाली एक यूट्यूबर है। जी हाँ गाइस, फ्री फायर कम्युनिटी का सबसे पहला एक यूट्यूबर ग्रैंड गेमिंग है जो 100 के सब्सक्राइबर सबसे फर्स्ट कम्प्लीट किए थे। तो आपको ये चीज़ पता था कि नहीं, कमेंट पे जरूर बताना। तो बढ़ते फैक्ट नंबर वन की तरफ। तो फैक्ट नंबर वन पे जो आता है, क्या आपको पता है इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी का जितना भी यूट्यूबर है सबको प्रमोशन किसने दिया था? ऑब्वियसली गाइस, आपको नहीं पता होगा, फ्री फायर कम्युनिटी का जो इतना भी यूट्यूबर है सबको प्रमोशन हमारे ग्रैंड गेमिंग ने दिया। गाइस, इंडिया के जितना भी यूट्यूबर है सबको प्रमोशन हमारे ग्रैंड गेमिंग ने दिया था। एक टाइम था, एक गिल्ड था ग्रैंड गेमिंग का, जिसमें आज के जितना भी फेमस यूट्यूबर है सब एक ही गिल्ड में थे। और एक ही गिल्ड में होने के रीजन से किसी किसी यूट्यूबर को लगने लगा क्यों ग्रैंड गेमिंग लीडर है, उसके वजह से ग्रैंड गेमिंग ने एक आईडी बनाया था जिसमें कोई नाम नहीं था और सब यूट्यूबर रहने के लिए बाद में एक प्रॉब्लम हो गया, इसलिए सब यूट्यूबर बिछड़ गए। तो ये फैक्ट आपको पता था कि नहीं, कमेंट पे जरूर बताना। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिया बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।